आज हम बनाएंगे वेज क्लब सैंडविच जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनती है। इसे बनाना बिल्कुल आसान है। तो हर जगह ये सैंडविच अलग अलग स्टाइल में बनती है, लेकिन आज मैंने अपने स्टाइल में बनाया है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम चटनी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने ग्रीन चटनी बना रहे हैं। तो यहाँ पर धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, कड़ी पत्ता और लहसुन अदरक और हरी मिर्च ले लिए हैं। इसे एक मिक्सी जार में डाल लेंगे और साथ ही में यहाँ पर हमने 2 चम्मच करीब सेव लेंगे और साथ ही में 2 चम्मच ताजी दही ले लेंगे और साथ ही में लेंगे 3 से 4 चम्मच पानी ले लेते हैं ताकि चटनी जो है बहुत ही अच्छे से पीस जाए। तो यहाँ पर 3-4 चम्मच पानी डाल के इसे अच्छे से पीस लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी चटनी जो है बनके तैयार है। इसमें हम स्वाद के अकॉर्डिंग काला नमक ऐड करेंगे। नमक डालते समय हमारा स्किप हो गया है, तो आप नमक ज़रूर डालिएगा। उसके बाद से इस सैंडविच को बनाने के लिए यहाँ पर कुछ सब्जियाँ लिए हैं, देख सकते हैं, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर और खीरा लिए हैं, साथ ही में पनीर लिए हैं। अब एक बड़े बॉल में इसे निकाल लेंगे। उसके बाद से इसमें कुछ स्पाइसेस जाएगा। तो सबसे पहले जो हमने ग्रीन चटनी बनाए थे उसमें से 2 चम्मच डाल लेंगे और 2 चम्मच के करीब यहाँ पे टमाटर सॉस डाल लेंगे। अब इसी के साथ थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि हमने चटनी में भी नमक डाले हैं और साथ ही में 1 चम्मच के करीब चाट मसाला डालेंगे और 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे और सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम लेंगे ब्रेड। तो हमारे पास ब्राउन ब्रेड है, आपके पास जो भी ब्रेड हो आप ले सकते हैं। और 1 चम्मच यहाँ पर घी या बटर लगा लेंगे पूरे ब्रेड के ऊपर और जो हमने ग्रीन चटनी बना के रखा था उसमें से हम भर के पूरे ही ब्रेड पर अच्छे से चटनी लगाएंगे क्योंकि चटनी का ही स्वाद इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। और जो हमने वेजेस बना के रखे थे इस तरह से इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे खूब अच्छे से। उसके बाद से हम जो पनीर लिए हैं इस तरह से हम कद्दूकस कर लेंगे। तो आप पनीर की जगह पे चीज़ भी ले सकते हैं, लेकिन हम इसे ज़्यादा हेल्दी बना रहे हैं तो हमने पनीर का ही इस्तेमाल किया है। तो पनीर इस तरह से हम स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद से हम दूसरे ब्रेड की स्लाइसेस लेंगे, इसके ऊपर यहाँ पर हम टमाटर केचप लगाएंगे। तो देखिए 1 चम्मच के करीब टमाटर केचप लगा लेते हैं, पूरे ब्रेड पर फैला लेंगे और इस तरह से हम ब्रेड के ऊपर चिपका लेंगे। और इसके ऊपर भी हम यहाँ 1 चम्मच के करीब ये बटर लगा लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, तवे को अच्छे से गरम कर लिए, इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी मेल्ट कर देंगे। उसके बाद से हम अपना सैंडविच इस तरह से रख के इसे थोड़ा सा दबा देंगे। अब यहाँ पे 1 मिनट सीकने के बाद से इसे हम आराम से पलटेंगे ताकि ये सैंडविच दूसरी तरफ भी अच्छे से गोल्डन क्रिस्पी होने तक सीख जाए। तो इसे चलिए आराम से पलट लेते हैं। तो देखिए 1 से 1.5 मिनट हुआ था, बहुत ही बढ़िया इसमें कलर भी आ गया है और पीछे से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो गया है। तो इसे भी हम दबा देते हैं और दूसरी तरफ भी 1 से 1.5 मिनट तक सीकने देते हैं। गैस के फ्लेम को हम मीडियम लो रखेंगे। तो देखिए यहाँ दूसरी तरफ भी सीकते हुए 1 से 1.5 मिनट हो गया है, बहुत ही प्यारा दोनों तरफ कलर आ गया है। तो अब चलिए इसे हम बीच से कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम चाकू से इस तरह से बीच से कट कर लेंगे। उसके बाद से दूसरा भी हम इसी तरह से बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हमारा ये सैंडविच जो है बन के तैयार है। अब इसे निकाल लेते हैं और दूसरा भी हमने सैंडविच तैयार कर लिए, इसे भी अच्छे से हम सीख लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, बहुत ही टेस्टी सा हमारा वेज क्लब सैंडविच है बनके तैयार। तो आप भी इस तरह से बनाइए। अगर रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।